मुझे देखो, पर आओ, पर आओ, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो। अरे रस्सी देखो, रस्सी लाओ। अगर रहना है, अगर रहना है तो ऋषभ भी होगा। वेद ऋषभ को ढूंढ। रैना, रैना, ऋषभ भी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, वो मेरे साथ है, मैंने उसी को पकड़ के रखा है। हाँ, मैं यही हूँ, जल्दी आओ। ऋषभ भी जिंदा है। रस्सी पकड़िए, रस्सी पकड़, ऋषभ पकड़, ऋषभ पकड़। एक बार फिर जिंदगी और मौत हमारे सामने खड़ी है, एक बार फिर नसीब आजमाना है। रैना, रस्सी पकड़ो। ऋषभ साहब, रस्सी पकड़िए, रस्सी पकड़िए। रैना, रस्सी पकड़ो टाइट। छोड़ना मत, फिर जो रस्सी पकड़ो उधर से। छोड़ेगा मत। संभाल गए, संभाल गए। मोहित, मोहित, ऋषभ। हाँ हाँ, ऋषभ आ रहे। वो ठीक है, परेशान ना हो। रैना चलो। अरे भैया ऋषभ, ऋषभ ठीक हो? दिमाग है भी या नहीं, इस समय लाल रंग, ये लाल रंग का शरबत पिलाओगी? भैया सोडा नहीं आ सकता और टाइम भी नहीं है। भाभी आप टेंशन मत लो, आप दो सबको, जाओ जाओ। अच्छा शरबत ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। वेद, ऋषभ को भी बहुत चोट लगी है, उसको भी एंटीसेप्टिक दे दो। हाँ ठीक है। आंटी थोड़ा शरबत ले लीजिए। ये क्या किया, शरबत? यहाँ मेरे पति की मौत हो गई है और मैं शरबत पीऊं? ब्रह्म राक्षस ने मेरे पति को मार दिया और मैं यहाँ शरबत पीऊं? ये सब नैना की वजह से हो रहा है। She's so stupid. अरे अनिल अंकल इज डेड, इस समय लाल रंग क्यों नहीं लग रहा आपको? इस समय ये शरबत देने की क्या जरूरत है? शांत हो जाओ तुम, रुको जरा। भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है,
मैं देख सकता हूँ तो दिखाइए ना कि आप क्या देख सकते हैं। आप कुछ नहीं देख सकते, ना ही आप कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बीवी तो जिंदा है। मौत तो मेरे पति की हुई है ना, तो आप कैसे कुछ समझेंगे? आपने तो कुछ खोया ही नहीं है। हमने भी तो खोया है राखी को। हाँ, आपने भी खोया राखी को, पर जिंदा या मुर्दा वो तो मरने से पहले आपसे अलग हो गई थी ना। जीते जी आपसे अलग हो गई थी, वो भाग गई थी किसी लड़के के साथ, वो भी मरने से पहले। आंटी प्लीज, मैं मानती हूँ राखी ने जो किया वो गलत था, उसे अजय भैया से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे हम सबको सच बताना चाहिए था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। प्लीज उसके बारे में तो ऐसे मत बोलिए। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मेरा ना? अरे बोलो ना, मैं क्या करूं? उस ब्रह्म राक्षस की आरती उतारो जिसने मेरे पति की हत्या कर दी। वो मेरे पति के अंदर था, अंदर, और मुझे पता भी नहीं चला। कब उनकी हत्या हो गई मुझे पता भी नहीं था, और तुम दोनों तो थे ना वहां। तुम दोनों बच के आ गए, मौत हुई मेरे पति की। और इस मौत की कहानी की शुरुआत की राखी ने। कमाल की लड़की है वो, एक तरफ शादी, एक तरफ किसी और के साथ। अरे उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर हमेशा से खराब था। अगर उसका कैरेक्टर खराब नहीं होता ना रेना, तो आज ये मौत की कहानी की शुरुआत होती नहीं। बस गायत्री बस। अब मैं मेरी बेटी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। प्लीज शांत हो जाओ, बोलने दो उन्हें। बोलने दो उन्हें, वो अपने आपे में नहीं है, उन्होंने अपना पति खोया है। तो मैंने भी अपनी बेटी खोई है, और आज तो वो नौबत आ गई थी कि मैं अपना पूरा परिवार खो देती। इन्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे दर्द नहीं होता? तो गलती किसकी है मोहिनी? आपकी। चुप ऋषभ, आज तू मुझे नहीं रोकेगा। आज तक राखी की मौत के लिए सिर्फ तुझे कोस दिया, तुझे दोषी ठहरा दिया, लेकिन सच तो ये है कि कोई भाई जानबूझकर अपनी बहन को मौत के मुंह तक नहीं ले जाता। राखी की मौत का जिम्मेदार तूने, ये लोग हैं। ये सब कुछ अगर हो रहा है ना, तो आपकी जिद की वजह से। इस गांव में कौन लाया? आप लोग। इस गांव में शादी करवाने की जिद किसने की? आपने। भूल गई आप? आप ही का पति ये चाहता था ना कि उस सुनसान हवेली को खरीदे। तुम्हारे ही पति थे ना जो चाहते थे इस बियाबान गांव को दोबारा बसाने के लिए। ये सब आप ही लोगों की जिद थी। अरे अनिल भाई साहब तो बड़े ज्ञानी थे ना, सब कुछ जानते थे ब्रह्म राक्षस के बारे में, फिर भी हम सबको घसीट के यहां ले आए। वो तो समझदार थे, नादान तो सिर्फ मेरी बेटी थी। और अंजान, अंजान मेरा ही बेटा, जो अनजाने में ही अपनी बहन को उसकी मौत तक ले गया। जानती हो गायत्री, जब कोई पेड़ गिरता है, कसूर पेड़ का नहीं होता, लोग पेड़ को नहीं उसकी जड़ को देखते। और इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ अनिल भाई साहब है। उन्हीं के कर्म है जो उनके कदम को इस गांव तक ले आए, उनके साथ साथ घसीट के हम लोगों को भी। और अब उन्हीं की वजह से हम सब यहां पर हैं। समझ गई ना तुम? प्लीज आंटी, आप ऐसी बात मत करिए। अरे मेरे डांट के जो भी मन में था वो तो आपको बता ही चुके थे, वो भी यहाँ आने से पहले। बात छुपाई आपकी राखी ने। अगर वो वरुण के बारे में सबको बता देती तो हम यहाँ आते ही नहीं। देखो तुम राखी पे इल्जाम मत लगाओ, उसने तुम्हारी जान नहीं ली है। You stay out of this way. Wait. चुप रह। अरे मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहा हूँ, मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहा है, पर इसकी हिम्मत कैसे है मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की? ये मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहा है, उसको कैरेक्टर्स बोल रहा है, मैं खड़ा होकर सुनता रहूं यहाँ पे। और सच बोलूं तो अजय कभी राखी के प्यार के लायक भी नहीं था। तेरी बहन ने मुझे भी धोखा दिया, मेरी फैमिली को भी। I lost my dad. और सही कहा तूने, तेरी बहन मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी। अगर वो होती ना तो आज जिंदा होती। अगर मेरी बहन के लिए एक भी शब्द और बोला ना तो क्या करना है तू?
वेट, तू जा, जा कमरे में जा, जा अपने कमरे में जाओ, जा। मैं जानती हूँ आपका दिल टूटा है, बहुत मायूस है, पर जितना दर्द और जितना दुख आपको अनिल अंकल के मौत पे हो रहा है ना, हम सबको हो रहा है। हम में से किसी को नहीं पता था कि राक्षस उनके अंदर था ना। आंटी, देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, और अगर है भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बदल नहीं सकते ना आंटी। सच कह रही हो तुम, जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता। रहना, अनिल कभी वापस नहीं आएंगे। क्या कहा था तुमने मोहिनी? कि मेरे पति की मौत उनके कर्म है। बिल्कुल सही कहा, कर्म तो मेरे भी खराब है जो मैं इस गांव में अब तक अटकी हुई हूँ, और चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस किसी को जाने नहीं देगा। और अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां तक लेकर जाते हैं। ऋषभ, मां को कमरे में ले जा। स्लीमो भाई सब, मुझे रैना से बात करनी होगी। खाना रेडी हो गया है, मम्मी जी शायद अपने रूम में ही खाएंगी। अरे यार, मिलके बात करना ठीक नहीं होगा, क्या करूं? फोन करता हूं। अच्छा तुमने फोन किया, मैं तो तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पलटो मत, पलटो मत, वरना सब कुछ शक हो जाएगा। हम एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, ओके? हाँ। अच्छा तुम ठीक तो ना? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बस में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें चोट नहीं लगी ना? नहीं 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 साले साहब, मैं ठीक नहीं हूँ। जरा धीरे बोलिए, मोहिनी सुन लेगी। हाँ बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया, किसे जो कहना था सबने कह दिया। देखा नीचे कितना बड़ा ड्रामा हुआ जी, क्या कर सकते हैं। हाँ हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, देख रहे हैं। वो हमें इस गांव से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, वो चाहता ही नहीं कि हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि दो बार कोशिश तो की थी जाने की, लेकिन दोनों ही बार नहीं जा सके। और दोनों बार दो जाने गई हैं हमारी फैमिली से, लेकिन अब नहीं, और जाने नहीं जाने दूंगा। हम कर भी क्या सकते हैं जय जी, वो इंसान नहीं है, ब्रह्म राक्षस है। उसकी मर्जी के बगैर हम यहां से एक कदम भी नहीं उठा सकते। साले साहब, बिजनेस में जब सामने वाला हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसे बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप अब तक इस गांव में ही पड़े हैं, इस नाम के जमींदार। साले साहब, जब सामने वाला हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी जिद पर अड़ जाता है, हम उसकी कमजोरी पर वार करके उसे तोड़ देते हैं। अगर आग ठंडी पड़ गई हो तो उस पे चिंगारी डालकर उसे हवा देते हैं, समझे? मैं समझा नहीं। समझेंगे भी नहीं, जो बात जिंदगी भर आप समझ नहीं पाए वो एक सेकंड में समझाते हैं आपको। नलिन श्रीवास्तव बोल रहा हूं। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हम ना वही करेंगे जो हमने प्लान किया था, ठीक है? अरे लेकिन तुमने देखा था ना मॉम को, उन्हें। अरे हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। क्या कर रही हो, जोर से बात मत करो ना, पागल हो तुम। सॉरी, मैं कह रही थी हमें वही करना चाहिए जो हमने सोचा था। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना धीरे में मत बोलो कि तुम्हें खुद भी सुनाई ना दे। जोर से बोलूंगी तो। अरे इतनी जोर से मत बोलो कि पूरी दुनिया सुन ले। तुम्हारी बात ना मॉम सुने ना सुने, वो ब्रह्म राक्षस जरूर सुन लेगा।
अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि हम वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। हम असुर तर जाएंगे, शादी करेंगे और बात खत्म। वो वहाँ जरूर आएगा, हम उसे वहीं पर मारेंगे। पहले पुलिस से मिलते हैं। अरे लेकिन हमें घर से बाहर निकलने देंगे तब ना? तुमने देखा ना कैसे जाएंगे बाहर? हम क्या करेंगे? ऐसे उसे जान लेने देंगे क्या लोगों के? सिर्फ एक ही औरत है जो उसे रोक सकती है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वो औरत कहाँ है जिसे देखकर उस राक्षस को मुक्ति मिल जाए। हमारे मुंबई अकाउंट से बड़ी रकम आपको अभी इसी वक्त हमारे यूपी अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। कितनी रकम ट्रांसफर करनी है इसका SMS मैं आपको कर रहा हूँ। जीजा जी, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि अपराजिता तक ये खबर पहुंचे कि हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए। और आप तो जानते हैं हमारा बैंक मैनेजर अपराजिता का बहुत करीबी दोस्त है, वो उसे फौरन इन्फॉर्म कर देगा। और जब उसे ये खबर मिलेगी तो अपराजिता के होश उड़ जाएंगे कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे आए कहां से। फिर पंछी परदेश से उड़कर यहां देश में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपराजिता को इस गांव में लाना है। और अब वो इस गांव में जरूर आएगी। एक बार वो इस गांव में आ जाए तो फिर अपराजिता होगी उस ब्रह्म राक्षस की अमानत। बहुत टूट गई है। जानता हूँ, लेकिन अभी हम उनके बारे में नहीं सोच सकते। हमें जल्दी से पुली के पास पहुंचना है ना? पता है। इश्यूज भी खत्म हो गए। मैं माफी मांगने आई हूँ तुमसे। अगर मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? मैं भी तो इस दर्द से गुजरी हूँ। पता नहीं कि प्यार के रिश्ते में ये दर्द का रिश्ता कब बीच में आ गया। मुझे माफ कर दो गायत्री। कोई नहीं, मैंने अनिल की बॉडी एक आखिरी बार भी नहीं देखी। अजय भैया, है ना मॉम का है? अच्छा बेटा, माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी चाहिए। जो राखी ने किया तेरे साथ, मुझे माफ कर दे। आंटी प्लीज, भूल जाइए ना, वो वक्त ही ऐसा था। अपनों को खोने का दर्द, गुस्सा, ऐसा हो जाता है। हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, हम सबका दिल रोया है। रहना बिल्कुल सही कह रही है गायत्री। अब हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना होगा। हाँ मॉम। तू सोच भी नहीं सकता ऋषभ, बस का वो हादसा हुआ और मैं तुझे देख नहीं पाई। मेरे दिल पे क्या बीती,
एक बार को तो ऐसे लगा जैसे मैंने तुझे खो दिया है। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा था मोम। रैना, बंद कर दे इस दरवाजे को। यहां दरवाजे से कभी भी खुशियां नहीं आती, सिर्फ मौत आती है। बार बार यही डर लगा रहता है कि कहीं वो ना आ जाए। बंद कर दे ये दरवाजा, अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या हुआ? डर गया? मौत से लड़ने वाला था ना, किसी का बदला लेने वाला था ना, क्या हुआ? तू बदल गया या तेरा इरादा बदल गया? ना मैं बदला ना मेरा इरादा बदला है, मेरे घर वाले बदल गए। उनको लगता है राक्षस बाहर ही खड़ा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। अच्छा, मतलब तू डर गया? डरना तो जरूरी है, राक्षस है इतना डरावना, पर वो ठहरा एक है बाहर, पर कहां तू एक मामूली इंसान। डरना तो चाहिए तुझे। सही कहा आपने, डरना जरूरी है, सबको डरना जरूरी है, उस राक्षस को भी डरना जरूरी है। हम आपसे मिलने आ रहे थे, घर वालों ने आने ही नहीं दिया। एक मिनट रुकिए, मैं रैना को भी बुला लेता हूँ। तुम लॉन में आ जाओ जल्दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। भैया, आगे जो भी होगा ना, सब अच्छा ही होगा। समझ लो, वक्त बुरा चल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। आई प्रॉमिस यू। देखो, मुझे बहुत देर हो रही है, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। मैं चलती हूँ। एक मिनट, आप जो करना है मुझे बता दीजिए। उस राक्षस को मारने का शादी का हमने जो प्लान बनाया है वो हम पूरा करेंगे, हम शादी करेंगे। बस आप बता दीजिए कब, कहां और कैसे करना है। ये लो। ये क्या है? सेवर, दुल्हन का 16 सिंगार। ये जमींदार साहब के उसी बेवफा दुल्हन के सेवर है जो उसने उस वक्त पहने थे जब उसने जमींदार साहब को मार डाला, अपने पति को मार डाला। ये सेवर उसी दुल्हन की निशानी है, हमारे जमींदार साहब के मौत की कहानी है। भैया, आंटी का ख्याल रखना प्लीज। ऋषभ के इतने मैसेजेस, मैं लॉन में हूं, खुली यहाँ है, जल्दी से लॉन में आओ। ओह गॉड, ऋषभ मेरा लॉन में वेट कर रहा है। यही तो बुलाया था ऋषभ ने, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। ना लॉन में आई ना यहाँ है, गई तो गई का। घर के अंदर ना घर के बाहर, चिंदी कहाँ हो तुम? चिंदी, ऋषभ तुम ये क्या है? पहले तुम बताओ कहाँ थी तुम? लॉन में थी, तुमने ही तो बुलाया था। अच्छा, तुम्हें कहा था, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा पता है? दरवाजा बंद करो पहले, जल्दी बोलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खुली आई थी। हाँ मुझे पता है, अजय भैया आ गए ना, इसलिए मैं आ नहीं पाई। चिंदी, अपने भाई भाई को भूल जाओ, मुझ पे नजर रखो तुम। अरे अभी से हुकुम, तुम मेरे नकली पति बनने वाले हो, समझे ना? अच्छा, शादी तो असली हो रही है ना। अच्छा, तुम्हें देख के ही लगा था कि तुम उन लोगों में से होंगे जो हुकुम चलाते हैं और जोर लगाते हैं लोगों पे। हाँ तो फिर हुकुम का इक्का हूँ मैं रानी। मैं छोड़ो ये सब, राजा रानी की कहानी खत्म, अब काम पे लग जाओ। बैठो बैठो बैठो। फुली ने पोटली दी है, इसमें उस दुल्हन के जेवर हैं, वही दुल्हन
जिसने जमींदार से शादी की और बाद में उसे मार डाला, उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। देखो तुम पहनोगी नहीं। ग्रेट, दुल्हन नहीं मिली तो क्या हुआ, जेवर तो है। अब देखना ब्रह्म राक्षस कैसे उल्टे पांव भागता हुआ आएगा। हाँ, अब ये जेवर ही हमारे शुभ विवाह में उस राक्षस को आने का आमंत्रण देंगे। मैं राजगीर और कमल का इंतजाम करता हूँ। सबके सोने के बाद हम असुर स्थल जाएंगे। हाँ, और असुर स्थल के दूसरे तरफ ना एक तालाब मैंने देखा, हम उसी तालाब में उस राक्षस को धकेल देंगे। तुम्हें याद है ना, गांव वालों ने कहा था कि उस राक्षस को पानी से बहुत डर लगता है। हाँ याद है मुझे, और फुली भी बता रही थी वो पानी ही उस राक्षस की कहानी खत्म करेगा। आज वो ब्रह्म राक्षस जरूर मरेगा। ओके, अच्छा सुनो तुम, ठीक है 1 घंटे बाद मेरे कमरे में आ जाना और टाइम पे आना। ओके, चिंदी, वन मोर थिंग, थैंक यू। ऋषभ, आई जस्ट होप आज हमारी हार ना हो, सिर्फ उस राक्षस की हार हो। उसी की हार होगी। ये किसकी तस्वीर है और इस तस्वीर पे लाल लाल क्या लगा हुआ है? शायद सिंदूर है। हे माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिए। माँ, आज मेरी शादी हो रही है, आशीर्वाद दीजिए मुझे। माँ, मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूं। पापा को मैसेज करती हूं। पापा कैसे हो? नहीं नहीं ये नहीं लिखती है, पर क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी शादी हो रही है। I miss you. आज आपकी बहुत याद आ रही है। बेटा, मैं अभी अभी दिल्ली से वापस आया हूँ, तू ठीक तो है ना? तू रो रही है क्या बेटा? नहीं तो पापा, मैं नहीं रो रही। वो बेटा, मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बेटा सच बता, तू रो रही है क्या? नहीं पापा, मैं नहीं रो रही हूँ। वो मैंने ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी ना, तो गला बैठ गया है मेरा बस। अच्छा ठीक है, इस वक्त तू कहाँ है? मैं घर आ रहा हूँ। पापा हम कमलपुरा में हैं। क्या कहा तूने? कहाँ है तू? कमलपुरा। क्या हुआ पापा? अरे बेटा तू वहाँ क्यों गई? तू नहीं जानती कि वहाँ तू कुछ नहीं जानती बेटा। पापा हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा। मुझे कमलपुरा जाना होगा। अरे कहाँ चला गया? फोन करती हूँ। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। ऋषभ, ऋषभ बाथरूम में क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं आ गई हूँ। जल्दी से बताओ आगे क्या करना है। ऋषभ बोलो। एक मिनट, पहले तो बाहर आके बात करो। मैं बाहर ही हूँ। बाहर तो मैं हूँ, तुम अंदर हो, क्या बात कर रही हो? ऋषभ, अरे मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ?
अगर मैं सच में बाथरूम में होता तो आज तो मेरी इज्जत भी गई थी। मतलब तुम्हारा फोन अंदर से बज रहा था तो मैंने सोचा कि ज्यादा सोच मत, सोचने का टाइम नहीं हमारे पास, हमें जाना है ना। ये राजगिरा कमल सब रेडी है? ये वही जो ब्रह्मराक्ष छोड़ गया था और नकली बस में लगा दिया था? ये मुझे स्टोर रूम में मिले थे। रेडी है ना? हाँ। तो चले। नहीं नहीं, अभी नेट भी तो रेडी करना है, पकड़ेंगे कैसे उसको, है ना? ऋषभ कौन आया है? ए, एक मिनट, अरे उधर नहीं, उधर नहीं, चलो चलो चलो, ये रुको। ऋषभ क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, बस एक मिनट, अभी आया। भाभी। ऋषभ कौन है यहाँ? यहाँ कोई भी नहीं है। ओ, मुझे लगा कोई है। नहीं भाभी। अब खैर, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, खाना खा लेना। हाँ, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखते। क्या हुआ? वो बस में चोट लग गई थी, छोटी सी है, ठीक हो जाएगी। भाभी अपना ख्याल रखा करो ना, आपको अक्सर चोट लग जाती है। तुम भी तो अपना ख्याल रखा करो, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषभ। किस बात का डर भाभी? अब फिर से इस तरह गायब मत हो जाना। नहीं होगा भाभी, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, अरे रहना ने खाना नहीं खाया होगा ना, मैं उसे खाना दे देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब उसे खाना देने की जरूरत नहीं है। आई मीन उसने कहा उसे भूख नहीं है, वो सोने जा रही है, तो अब उसे खाना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बहुत डर गई थी ना। हाँ, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो जाएगी। तुम खाना जरूर खा लेना। हाँ, ओके। आप भी अपना ध्यान रखो भाभी। ओके ओके भाभी, बाय। क्या कर दिया तुमने? निकलो बाहर, निकलो। तुम हंस रहे हो, बाहर निकालो मुझे। आ जाओ, बाहर निकालता हूं। मजा आ रहा? तुम हंस रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, बात कर। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे अंदर के राक्षस को बाहर निकालता हूँ। ये कमल, तुम क्या करो? आदमी चाहिए, आदमी चाहिए। मैं सुन भी क्यों रही हूँ? प्लीज। एक बार हिलना मत, हिलना मत। ऋषभ क्या कर रहे हो? प्लीज। ऋषभ क्या कर रहे हो? ऋषभ स्टॉप इट, ऋषभ। एक बार। ऋषभ मुझे बाहर निकालो उसमें से। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे मजाक क्या, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, लेकिन तुम हिलो मत अभी। इसीलिए जो करना होगा ना, मुझे अब डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। स्टॉप इट ऋषभ, प्लीज स्टॉप इट। देखो मैं चलाऊंगी। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो ऋषभ? प्लीज हेल्प मी। मैं गाना बजाता हूँ। ऋषभ ये क्या गाना है? प्लीज बंद करो, प्लीज। व्हाट इज दिस? अरे मैं गोविंदा गाना बजा रहा था, पता नहीं ये कहां से बज गया। अब मेरा फोन हैंग हो गया, मैं क्या करूं? छोड़ो अपना फोन, प्लीज मुझे यहां से निकालो। तुम तो और डालते जा रहे हो ऋषभ, ऋषभ प्लीज। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है उसमें थोड़ी हरकत होने दो। शायरी सुनाती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में, आओ ना। तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून
से है मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं कहना ये तुमसे है। मैंने कहा था ना ये यस आई एम सॉरी एक मिनट तुम पैर तो हटाओ इसके नीचे से खड़ी हो बोल रही हूं निकालो कैसे निकालो मैं एक मिनट रेडी नहीं एक चीज और है मेरे पास क्या ये तीर हाँ इन्हें तीर ही कहते हैं चलाना आता है नहीं तुम्हें आता है हाँ मैंने स्कूल के प्ले में सीखा था चलो मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ आओ मुझे हाँ आओ अरे आओ यहाँ सामने खड़े हो जाओ ऐसे इसको पकड़ो यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ जोर से पकड़ो अब इसे यहाँ ऐसे और इस हाथ से खींचो तुम्हारी नजर सिर्फ निशाने पे होनी चाहिए नजर सामने और निशाना नजर के सामने तुम्हें सिर्फ आंखों से तीर चलाना आता है असली तीर चलाना नहीं आता नेट निशाने पे लगा दोगी ना तुम याद है ना तुम्हें कि मुझ पर नहीं उस पर फेंकना है मैं तैयार होती हूँ Wait, wait, wait. बैठो 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 कुछ खा ले एक काम करो पकड़ो आप सुन रहा मुझे भूख नहीं है अरे भूख तो मुझे भी नहीं है इन फिर भी थोड़ा कुछ खा लेते हैं ना क्या पता बाद में ब्रह्म राक्षस हमें ही खा जाए शुरू करो सो शादी के लिए तैयार हो तुम हाँ तैयार तो हूँ लेकिन डोंट बी सो सीरियस रहना वैसे भी राक्षस को मारने के बाद हमें अलग तो होना ही है ना नहीं मेरा मतलब है ऋषभ तुम जानते हो ना एक लड़की के लिए शादी का मतलब समझता हूँ तुम जो कर रही हो ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए बहुत कम लड़कियां होंगी जो इतना बड़ा कदम उठा पाएंगी आई जस्ट होप मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ मेरी मेहनत रंग लाए जो सोचा है वो हो जाए मैम आपका फोन किसका फोन है यूपी से आपके बैंक मैनेजर का फोन है बैंक मैनेजर यस मैम मिस्टर नलिन श्रीवास्तव के यूपी वाले अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है ये रकम उतनी ही है जितनी कमलपुरा की वो हवेली बेच के मिलती लेकिन इतनी रात को पैसे क्यों आएंगे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मैम थैंक यू सो मच
एस्मिन, ये क्या है? What is this? Sorry, sorry मैम, ये मेरा है, वो गलती से गिर गया होगा. I'm so sorry मैम. पैसा ट्रांसफर हो गया. धीरे बोलो, मोहिनी जाग जाएगी. लो आ गया, शमा जली नहीं परवाना आ गया. हाँ बोलो अपराजिता. ब्रह्म राक्षस मर गया. मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी न्यूज सबसे पहले तुम मुझे सुनाओगे. आई मीन गुड न्यूज. वेल, हमारी कमलपुरा की हवेली पे जो ग्रहण लगा था वो फाइनली चला गया. कैसी बात कर रही हो अपराजिता? वो राक्षस अगर मर जाता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, सबसे पहले तुम्हें बताता मैं. क्या वो राक्षस मरा नहीं है? तो फिर रातों रात इतने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में कहां से आए? पैसे वो तुम्हें कैसे पता चला? नलिन प्लीज, किसने बताया और क्यों बताया? फॉरगेट अबाउट दैट. मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आई थॉट हमारा रिश्ता बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. हमने एक दूसरे से वफादारी निभाने का वादा किया था. व्हाट हैपेंड टू ऑल दैट? इतनी बड़ी बेईमानी, आई मीन इतना सारा पैसा तुम्हारे पास. अरे वो लोन के पैसे हैं और कुछ नहीं, वही पैसे आए. लोन? तुम्हें अचानक लोन की जरूरत क्यों आन पड़ी? अरे बिजनेस है, बिजनेस में ऐसी रोलिंग चलती रहती है. Nothing serious. Okay. नहीं, मैंने सोचा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए फोन कर लिया. बाकी सब कैसे? कमलपुरा में कैसे होंगे, वैसे ही हैं. खैर तुम कमलपुरा की चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ. Just don't worry. Sure. Good night. Good night. साली साहब, आज का दिन, आज की तारीख लिख के रखिए. वो आ रही है, वो आएगी, जरूर आएगी. ये सब बाद में करना, पहले जाके मेरे बैग्स पैक करो. हरी अप. मैम अभी? हाँ अभी, इसी वक्त. ओके मैम. मैं कमल पूरा चला चला. अलन ने कहा कि उसने बिजनेस के लिए लोन लिया है. इतनी रात को सवाल ही नहीं उठता. मुझे बेवकूफ बना रहे हैं. मुझे, मैं जानती हूं कि उन लोगों ने ब्रह्म राक्षस को मार दिया है और अब वो हवेली बेचकर सारा पैसा हड़पना चाहते हैं. लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी. उस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है और वो मैं लेने आ रही हूं. कमल कपूरा. अब तो तारीख भी फिक्स हो गई है मैडम.